इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। बीच में एक ऐसी शख्सियत आई है जिन्होंने राजस्थान के आवा का नाम दूर दूर तक पहुंचा दिया। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि कोई आवा नाम की स्थान भी है, लेकिन पूज्य श्री का ऐतिहासिक वर्षा योग में जिस परिवार ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, आदरणीय श्रीमान मोतीलाल जी भवरी देवी परिवार देवली टोंक हमारे मध्य आए हुए हैं। हम चाहेंगे हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी जैन पीएनसी, महामंत्री श्रीमान नीरज जी जैन जिनवानी चैनल, जगदीश प्रसाद जी, दिलीप जी आकर उनका यहां पर स्वागत करिएगा। मैं अनुरोध करूंगा कृपया यहां स्वागत के लिए पधारे आदरणीय मोतीलाल जी परिवार, और आप सबकी जोरदार अनुमोदना तालियों के रूप में चाहूंगा। और चलिएगा, अनुरोध करना चाहेंगे पूज्य श्री से, प्रवचनों की ओर चलेंगे और उनकी अमृतमय वाणी को से अनुरोध करेंगे, प्रवचन प्रारंभ करेंगे। जय श्री ओम नमः श्रीदेव्या, जय श्री ओम नमः श्रीदेव्या, सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जिंदगी को सुव्यवस्थित इज्जत वाली बनाने के लिए अपन प्रसंग चला रहे हैं, क्योंकि छहों तरफ से बाधाएं खड़ी हैं, जिसमें नीचे की बाधा राष्ट्रीय बाधा, राजा की बाधा, राजनीति की बाधा पर अपन समझ चुके। कल अपन ऊपर की बाधा जो ऊपर से आती है, जो ऊपर से बाधाएं आती हैं, जैसे तुम लोग ऊपर बाधा कहते हैं, तो ऊपरी बाधा का अर्थ देवताओं की बाधा नहीं, भूतों प्रेतों की बाधा नहीं, ऊपरी बाधा का अर्थ होता है किस्मत की बाधा। किस्मत जब हमारी रूठती है, वास्तव रूप से वही ऊपरी बाधा कहलाती है। एक बार एक भजन चल रहा था, जीवन है वो गांव, कहीं धूप तो कहीं छांव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छांव। आचार्य जी ने गाना सुन रहे थे तो आचार्य जी कहते, ऊपर वाला नहीं, अंदर वाला पासा फेंके ऊपर चलते दांव,
ऊपर तो कौन है, अंदर वाला भांसा फेंके, बाहर चलते दांव, कभी धूप तो कभी छाव। तो ऊपर जो वाला है, ऊपर की जितनी भी बाधाएं हैं, ये सब हमारी किस्मत की बाधाएं हैं। और किस्मत को लिखने वाला कोई नहीं महानुभाव, हम स्वयं ही जिंदगी अपनी खुद की खुद लिखते हैं। मास्टर पढ़ा सकता है, लेकिन एग्जाम की कॉपी तो विद्यार्थी को स्वयं लिखना पड़ती है। गुरु भगवान जितनी शक्तियां हों, ये हमें शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन जिंदगी की किस्मत की कॉपी तो हमें स्वयं ही लिखना पड़ेगा। हर व्यक्ति ने अपनी किस्मत स्वयं लिखी है। यदि आप किस्मत ऐसी लिख लेते कि कभी तुम्हारा चढ़ाव तो होता, उतार नहीं होता, अच्छे दिन तो आते, बुरे दिन नहीं आते, आगे तो बढ़ते, पीछे नहीं हटते, सब कुछ वर्धमान होता। उसके लिए कल हमने तुम्हें एक टिप्स दिया था, नियत धर्म, निश्चित धर्म। तुम कितने तक गिर सकते हो, गिरने की नियत करो, निश्चित करो, प्रमाण करो। कितने हद तक तुम गिरोगे, पाप की सीमा करो, अधर्म की सीमा करो, हिंसा करोगे तो तुम कहां तक उतर सकते हो, कितनी कर सकते हो, सीमा करो। नहीं, मैं सीमा नहीं करूंगा, जब जैसा मौका पड़ेगा वैसा करूंगा। मैं कहूं कि तुम सब लोग नियम ले लो, हम जिंदगी में किसी का मर्डर नहीं करेंगे। अभी तक किया नहीं तो अब नहीं करोगे। हमारा जी नियम मत दो, क्या पता कभी झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे। और वही तो है बात, किया नहीं होने की संभावना नहीं है, लेकिन तुम नियम नहीं बांध रहे कि मैं मर्डर नहीं करूंगा। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई तुम संकल्प भी मर्डर करेगा, मैंने कहा ये तो नहीं दूंगा, ये तो आगम में लिखा ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ये नियम लेने से तुम्हारा कोई मर्डर नहीं करेगा। मैंने कहा मैं ही सुरक्षित रही हूं इसमें, तो मैं मर्डर नहीं करूंगा, ये नियम तो ले सकते हो, लेकिन कोई तुम्हारा मर्डर नहीं करेगा ये नियम नहीं ले सकते। तो महाराज जब कोई मेरा मर्डर कर सकता है तो उस समय मैं भी मर्डर कर सकता हूं, इसलिए मैं नियम नहीं लेता। मत लो, तुम्हारी मर्जी। ये तो कोई कारण भगवान भी नहीं दे पाएंगे कि तेरा कहीं मर्डर नहीं होगा, तेरी अकाल मौत नहीं होगी। दुनिया को नहीं सुधारना है, सुधरना तो हमें खुद को है। दुनिया को नियम नहीं दे रखते हैं, नियम लेना तो हमें है। किस किस को, क्योंकि दुनिया में कोई भी मर्डर कर सकता है, कोई निश्चित नहीं है ना, इसलिए उनको तुम्हारा कोई भी कर सकता है, तुम अकेले होके तुम्हें किसी का करना है। नियम एक को दिया जा सकता है, जगत को नहीं। शेर भी कर सकता है, चीता भी कर सकता है, कोई जंगली जानवर भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, किस किस को नियम दोगे? तुम नियम नहीं ले पाओगे। तुम झूठ मत बोलना, नहीं, दुनिया मेरे से झूठ नहीं बोलेगी तो मैं नहीं बोलूंगा, अपन को करना पड़ेगा।
पाप की सीमा हमारी जिंदगी में कहाँ तक तुम गिर सकते हो, कहाँ तक तुम पापी हो सकते हो, ये पॉइंट बनाना है, निशान लगाना है पूरी जिंदगी में। इसके नीचे हम नहीं गिरेंगे, ये हम जीवन भर नियत लेते हैं, नियम लेते हैं। नियम का और कुछ नहीं, हम इससे नीचे नहीं गिरेंगे, इससे ज्यादा हम पाप नहीं करेंगे, इतने का हम त्याग करते हैं। और जीवन भर करना है। नियत का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, जो धर्म तुम करने जा रहे हो उसमें छूट नहीं रखना, मरूंगा तो मर जाऊंगा लेकिन इतना धर्म तो करूंगा, इतना तो करूंगा पक्का है। अब वो कितना है वो आपको निर्णय करना। चौदस को तो हिंसा नहीं करूंगा, अच्छा कुछ भी हो जाए, मरना पड़े तो मर जाए। नियत कर दो, आज से नियत कर दो, एक दिन का नियत कर दो, चौदस को हिंसा नहीं करूंगा। नियत करना है। अब उस दिन कोई मर्डर करने वाला आ जाएगा तो मर जाना, लेकिन तुम तो मारना मत। मैं कई बार कहा करता हूं, एक दिन की हिंसा के त्यागी का नाम अमर हो गया। शास्त्रों में आचार्य नाम लिख रहे, महिमा गा रहे, हजारों लाखों साल तक उसका नाम लिख करके गर्व कर रहे हैं। यहां आप लोगों ने तो एक भी हिंसा नहीं की, एक भी फांसी नहीं चढ़ाई, तो भी तुम्हारा नाम नहीं, कोई जैनी नहीं मिला उनको। एक चांडाल के खोजने गए कि अहिंसा में कौन प्रसिद्ध है, चांडाल। अरे अहिंसा में कहो ना जैनी प्रसिद्ध है। पहले मैंने सोचा कि सामंतभद्र महाराज भी कहीं शेड्यूल कास्ट तो नहीं है। हाँ, आरक्षण सब, जितने उदाहरण दें वो सब हरिजनों के, सब शेड्यूल कास्ट के, मातंग का, चंडाल का, धीवर, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। बाद में सोचा कि नहीं, उसका देखो, उसने नियत कर दी अहिंसा को, जिंदगी में चाहे मरना पड़े तो मर जाऊंगा लेकिन चौदस को तो हिंसा नहीं करूंगा। अहिंसा नियत कर दी जीवन भर के लिए, एक चौदस के लिए नहीं। और उसी दिन उसको फांसी पे चढ़ाने का राजा से आदेश हुआ। राजा को मालूम नहीं था, कोर्ट ने आदेश दिया चौदस के दिन ही सुबह इतने बजे चढ़ेगी। उसने मना कर दिया, राजा ने कहा इसको भी मार डालो, इसको भी फांसी पर चढ़ा दो, इसने भी राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। चढ़ गया फांसी पर, समुद्र में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा मर जाऊंगा लेकिन इतनी हिंसा तो मैं त्याग करूंगा। अब देखो, उसके पीछे सवाल नियम का नहीं है, छोटे बड़े का सवाल है, नियत अहिंसा का। इतनी हिंसा तो मैं नहीं करूंगा, चौदस को तो नहीं करूंगा, नियत कर दिया उसने, एक तारीख नियत कर दी। समुद्र में फेंक दिया गया, देवताओं ने आकर के कमल की रचना की, उसकी जय जयकार की, नियत अहिंसा। नियत अहिंसा करो। नहीं महाराज देखो आप समझो, हम बल्दियत से जैन हैं, आप भी जानते हैं, आप नियम के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अभी तक तो हमने की नहीं, ना मेरे बाप ने की है, आगे नहीं करेंगे, इतना तो विश्वास करो। नहीं, नियम ले लो ना। और देखो आप नियम के बस यही कमी तुम साधुओं में होती है, कह दिया ना किया है, ना करने का कोई चांस है, ना करने की कोई प्लानिंग है, अब नियम से क्यों बांध रहे? पर वो नियम से बंधना ही तो पुण्य है। कौन व्यक्ति कितनी हिंसाएं करता है, कौन व्यक्ति 24 घंटे मर्डर करता है, लेकिन तुम्हें मर्डर के पुण्य पाप लग रहा है।
नहीं कर रहे हो तो भी लग रहा है। आपने जिंदगी में एक भी मर्डर नहीं किया लेकिन आपके खाते में मर्डर लिखे हुए हैं, क्योंकि आपने त्याग नहीं किया, आपने नियम भी तो नहीं लिया। यानी इसका अर्थ है कि मौका पड़ेगा तो छोड़ोगे नहीं। वो आज भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। यानी तुमने अपना खाता खुला रखा है हिंसा के लिए, और चांडाल ने खाता बंद कर दिया है। चौदस के दिन नहीं होगी हिंसा का खाता बंद। देवता आ गए। किसी मुनि महाराज के लिए आज तक नहीं सुना कि क्यों देवताओं ने आकर मुनिराज को कमल की रचना की। मुनिराजों को नहीं सुना कि देवताओं ने आकर मुनिराज को कमलों की रचना कर दी। किसी जैनी सेठ के लिए नहीं सुना, लेकिन एक चांडाल के लिए देवता ने आकर के कमलों की रचना कर दी और चांडाल की जय जयकार बोल दी। नियत अहिंसा, नियत अहिंसा। ऊपरी बाधा से तुम्हें बचना है, ऊपर वाले को अपनी जिंदगी सुरक्षित करना है। आप अहिंसा को नियत कर दो, निश्चित कर दो कितनी हिंसा, कितनी अहिंसा नियत करो। और नियत का अर्थ है कि मैंने कह दिया फिर मरना है मारना नहीं, मरना है मारना नहीं, मिट जाओ मिटाना नहीं है। कुछ भी हो जाए, जैसे चांडाल को, वो मरने के लिए तैयार हो गया लेकिन मैं मारूंगा नहीं, फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। क्या ऐसी अहिंसा आपके संकल्प में है? यदि ये अहिंसा आपके जीवन में, नियत अहिंसा, जाओ भगवान त्रों में तुम्हें कोई अकाल मौत नहीं मारेगा, कोई तुम्हारा मर्डर नहीं करेगा, करेगा भी तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जिंदगी कैसी चाहिए कि मुझे, पहली बात तो मेरी अकाल काल में कभी मौत ना हो, कोई मेरा मर्डर नहीं करे, कोई मेरे प्राण ना लेवे, कोई मेरी जिंदगी ना छीने। ऐसी जिंदगी अपन चाहते हैं, हम आप सब चाहते हैं, लेकिन दावा नहीं कर पा रहे हैं, दावा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी पूर्व भव में, किस्मत में हमारी नियत अहिंसा नहीं लिखी है। ऐसे ही नहीं है ये सारे सूत्र जो जनाचार दिए, मोक्ष के लिए ही सूत्र नहीं है ये। संसार में कोई मेरा मर्डर ना करे, कम से कम छोटी छोटी बातों पे मर्डर ना हो। कोई छोटी छोटी बातों में चोर लाख रुपया के लिए मेरा मर्डर कर दे, कोई व्यक्ति थोड़ी सी बात हुए और हमारी जिंदगी छीन ले, इस बात से निडर होना है तो आप अहिंसा को अभी से नियत कर दीजिए। इतनी हिंसा नहीं करूंगा, कितनी करना है पर नियत होना है। वो सब लोग सोच लो, मैं कोई बाध नहीं कर रहा हूं, आप तो बता दो कितनी हिंसा नहीं करोगे। चलो तुम ही ले लो, 14 को नहीं करूंगा। मान ली महाराज जी, 14 के दिन कोई मारने वाला आ गया तो, अब तो नहीं बट परंतु तो नहीं, इट में भी पॉसिबल, संभावना है, संभावना है। चांडाल भी सोच सकता था, संभावना है 14 को कोर्ट फांसी बोल सकता है, संभावना है। पर तुम्हारी यही परीक्षा है, यही परीक्षा है। और यदि आपने नियत ले लिया कि महाराज मैं संकल्पी हिंसा करूंगा ही नहीं, दो प्रतिमा आदि लेने से फायदा क्या है? मोक्ष तो होना नहीं दो प्रतिमाधारी को, छुल्लक बनने से फायदा क्या है? मोक्ष तो होना नहीं।
चुल्लक एलक आरिका बनने से फायदा क्या है, मोक्ष तो होना नहीं। प्रतिमाधारी बनते हैं, ये व्रत लेते हैं, क्या फायदा है इससे, मोक्ष नहीं है। सवस्त्र को मोक्ष नहीं है, लेकिन महानुभाव बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा हूं। देशवृत्ति ने अभी संकल्पी हिंसा का त्याग किया है, उसने इतना पुण्य बन गया कोई उसको प्री प्लानिंग मारने का भाव नहीं करेगा। प्री प्लानिंग इसको मारना है, क्योंकि उसने संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिया। मैं जीवन को, किसी भी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा। विरोध करने की बात अलग है, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, व्यापार में जो हिंसा हो रही उसने नहीं छोड़ा, चूल्हा चक्की बनाने में आरंभी हिंसा हो रही उसने नहीं छोड़ा, खेती किसानी में हिंसा हो रही उसने नहीं छोड़ा, कोई मुझे मारने आएगा तो मैं उसको मारूंगा ये नहीं नियम लिया उसने। संकल्प पूर्वक किसी को मारने का प्लान नहीं करूंगा, संकल्प पूर्वक। कोई मुझे मारने आएगा तो, और वो बच जब भी सकता हूं उसको नहीं मारूंगा तो मैं मरूंगा। पूछा जाएगा तुमसे, इनकाउंटर वालों से यही पूछा जाता है कि आपने इनकाउंटर क्यों किया पुलिस वालों ने, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्या उसके लिए आप जिंदा नहीं पकड़ सकते थे। तो पुलिस का आदमी एक जवाब देता है, यदि मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, बस इसी गवाह पर, इस सबूत पर उसको बरी कर दिया जाता है। यही जैन दर्शन कहता है, तुमने इसको क्यों मारा, क्यों मारा तुमने, शेर को क्यों मारा तुमने, इस कुत्ते को क्यों मारा। तो तुम तीन बातें बोलना, पहली बात बोलना मैंने मारा नहीं है, मैंने मारा नहीं है, मेरा व्यापार था, मेरी खान थी, खान में ये व्यक्ति दब के मर गया, मैंने खान मारने के लिए नहीं ली थी, माल निकालने के लिए थी, लेकिन ये गिर गया, चपेट में आ गया, तुम बरी हो। उद्योगी इंसान, मशीन थी, मशीन में नौकर आ गया, मैंने मारा नहीं है, मकान बन रहा था गिर गया छत से, हिंसा नहीं है, गाड़ी चला रहे थे आकाश में कुत्ता आ गया मर गया, मारने के लिए चलाई थी गाड़ी के चलने के लिए चलाई थी, लेकिन कुत्ता आ गया, आ सकता है कि नहीं, मनुष्य आ जाते, एक्सीडेंट पर मर्डर केस क्यों नहीं बनता, एक्सीडेंट पर मर्डर केस क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो जान नियम बनाया गया कि मारने के लिए नहीं गया, आ गया, अब वो बचा ही नहीं सकता, यात्रा छोड़ नहीं सकता। मेरे व्यापार में ये बीच में आ गया मर गया, कोई उपाय नहीं था। दूसरी हिंसा आप बना, आरंभी हिंसा, आरंभी हिंसा करते हैं जो खेती किसानी में होती है, खेती करूंगा आरंभ हिंसा होगी, होगी, रोटी बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पानी भरोगे, बैल को कारियों को पानी पिलाओगे, मकान से तराई करोगे, हिंसा होगी। बस तुम कह रहे हैं साहब मैं क्या करूं, मकान बना रहा था मारने का भाव। तीसरी हिंसा आपको छूट है, विरोधी हिंसा, क्यों मारा इसको, नहीं मारता तो ये मुझे मार डालता, बस आप बरी हो गए, आप हत्यारे नहीं आएंगे, आप पे 302 धारा नहीं लगेगी, थोड़ा सा दंड दे करके कह दिया जाएगा कोई उपाय नहीं था बचने का। बोले साहब कोई उपाय नहीं था, यदि मैं एक सेकंड भी देर करता तो वो मुझे मार देता। अपनी जान बचाने के लिए किसी को मारना पड़े तो ग्रस्त के लिए छूट है।
अपने मुनिराज को गुरु को बचाने के लिए किसी को मारना पड़े तो ग्रस्त को हत्यारा नहीं कहा, अपने गुरु को बचाने के लिए। मैंने एक दो बार सुनाया भी, शूकर ने शेर को मार डाला क्योंकि शेर गुरु महाराज को मारने वाला था। गुरु को बचाने के लिए तुमने मारा है, हत्या की कोटि नहीं है। अपने को बचाने के लिए तुमने मारा है, हत्या की कोटि नहीं है। परिवार को बचाने के लिए तुमने मारा है, हत्या की कोटि नहीं। नगर की रक्षा के लिए मारा है, हत्या की कोटि नहीं है। देश को बचाने के लिए मारा है, हत्या की कोटि नहीं। नीतिकारों ने लिखा, राष्ट्र को बचाने के लिए यदि एक देश को आहूत करना पड़े, एक प्रांत को, तो कर दो, पूरा राष्ट्र बचेगा कि नहीं? हाँ, यदि एक प्रांत मिटा दिया जाए, एक प्रांत के लोगों को मार दिया जाए तो पूरा राष्ट्र बच जाएगा। नीति कहती है मार दो तुम्हें हत्या का दोष नहीं लगेगा, तुमने राष्ट्र के पूरे राष्ट्र को बचा लिया है, एक को डूबना पड़े। यदि तुम्हारे प्रांत को बचाने के लिए जिला को आहूत करना पड़े कर दो, एक जिला को बचाने के लिए गांव को आहूत करना पड़े कर दो, एक गांव को बचाने के लिए एक घर को आहूत करना पड़ेगा कर दो, और एक घर को बचाने के लिए एक व्यक्ति को आहूत करना पड़े वो हिंसा की कोठी में नहीं आता। एक व्यक्ति को आहूत करना है तो बच जाएंगे, पूरा परिवार बच जाएगा, लेकिन एक मरेगा, उसके बिना कोई उपाय ही नहीं है, एक मरेगा। और एक मरेगा, अब सबको मरने देंगे एक कोई मरने दें? आप लोग बोलो ना, फिर या तो सब मरोगे या एक मरेगा। समझदारी क्या है? सब बचा लो। मरने की जैन दर्शन में क्या गजब का, जैन दर्शन की हर कंसेप्ट में ऐसा रहस्य छुपा रहता है, और प्रैक्टिकल रहस्य है, कोई ऐसे नहीं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात है। ये आप लोग भी यही कहेंगे, ये एक मर जाए तो मर जाए सब बच जाए। और सरल उदाहरण तुम्हें देता हूं, जच्चा और बच्चा दोनों में से एक बचेगा, दोनों अभी जिंदा है, डॉक्टर कह रहा है कि मुझे एक को मारना पड़ेगा, एक को मारना पड़ेगा। और ये आए दिन केस होते हैं, खतरे में माँ है और बच्चा है, दोनों खतरे में हैं, और डॉक्टर पक्का कह रहा है दोनों में से एक बचाएंगे, तो आपकी समझदारी क्या है? साहब दोनों बच जाए? नहीं, फिर दोनों मरेंगे। दोनों मरेंगे या एक बचेगा, समझदारी क्या है? दोनों को मरने देंगे एक को बचाएं? बचाएंगे, समझदारी इसी में। तो क्या तुम दूसरे के हत्यारे माने जाओगे? तुमने कह दिया नहीं माँ को बचा लो, तो क्या बालक के हत्यारे माने जाएंगे? क्या पिता, क्या डॉक्टर, और बेटे का हत्यारा माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। माँ को बचाने वाला माना जाएगा, हत्यारा नहीं माना जाएगा। क्या गजब दस्तखत किए हैं। हाँ, बेटे को दस्तखत करवाता है माँ को बचाया जाए, लेकिन बेटा मरेगा, ठीक है, हस्ताक्षर कर देता है। अब सारे लोगों ने हत्या की अनुमति दी, डॉक्टर ने हत्या की, जाकर के उसको जो भी यंत्र से उसके प्राण लिए, घात किया, प्राण लिए, उसको मारना है कैसे करके, निशाना बनाया मारने का, प्राण लेने का, लेकिन वो हत्यारा नहीं है, और ना तुम हत्यारे हो। नीति हत्यारी नहीं है।
काश तुम मेरे पास आ गए तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि महाराज हमारे यहां तो सब कार्य आपके बिना नहीं होते। हमारे यहां तो जो कार्य होता है गुरु की आज्ञा से होता है, जिनवाणी की आज्ञा से होता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, आपका आशीर्वाद क्या है। कई बार भी भक्त बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसी उलझन में फंसा देते हैं। एक बार राजस्थान में एक तालाब के किनारे बगला घायल पड़ा था, सो उठा लाए। अब जैन साहब थे, हम पक्षियों पर दया करने की बात बोलते ही हैं, वही पक्षियों पर दया करो करुणा करो, वो ले आए। अब यहाँ डॉक्टर कहते हैं इसको मछली खिलाओ। बगला था, मछली खाता, दाने खावे नहीं, और नहीं खिलाए तो ये मरेगा। अब वो सज्जन थे, वो घबरा गए, बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने तो महाराज जी ने कहा पक्षियों पर पशुओं पर दया के करो करो, तो मैं तो उठा लाया। डॉक्टर कहते ये दाना खाएगा नहीं, कितना ही मर जाएगा, क्योंकि ये मांसाहारी जानवर है। और अब मछली खिलाना है तुम्हें, और तुम जैन साहब हो, अब मछली खिलाओ खा। अब वे दौड़े दौड़े मेरे पास आ गए। अरे मैंने कहा भैया मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम। अब ऐसे आप बताइए, बोले महाराज जी आप बताओ। अब बोलो अब मैं क्या करूं, मौन रहता हूं तो बगला मरेगा। महाराज जी आप बताओ, मैं तो आपके कहने पर आपके प्रश्न में आया है, आपके धर्म ने कहा दया धर्म है, दया करो, मैंने तो आपकी बात मानी है, अब आप बताओ क्या करो, क्या करूं मैं, क्या जवाब दूं, मछली खिला दो, क्या करूं, कैसी आफत है, नहीं तो बगला मरेगा। कुछ चीज इस संसार में ऐसी है जिसका समाधान करना बहुत कठिन हो जाता है। मैंने उसको कहा ऐसा करो, इस बगले को उसको दे दो जो मांसाहार करता हो। जो मांसाहार करता हो वो तो मांसाहार कर ही रहा है, उस मांस में से ये कुछ मांस इसको दे देगा तो ये बच जाएगा, दोनों बच जाएंगे। मांसाहार जो करता है, कराना नहीं, मांसाहार जो कर ही रहा है, तुम कराओ या न कराओ, वो उसको संरक्षण कर सकता है। तो जिंदगी में ऐसी चीजों के लिए, लेकिन आपको ये कितनी हिंसाएं आपको माफ कर दें, बस आप एक नियम ले लें आज, नियत अहिंसा। हम किसी को संकल्प पूर्वक प्री प्लानिंग नहीं मारेंगे। विरोधी हिंसा का तो हमने छूट दे दी, वो मारने आया और नहीं मारूंगा तो मुझे मार देगा, मेरे परिवार को मार देगा, तो वो तो छूट दे दी। पांडव पुराण में आया है कथा, कुंती सहित नदी को कोई पार कर रहे थे, वहां एक व्यंतरणी ने उस नाव को पकड़ लिया और बहुत बड़ी परीक्षा की, बड़े तुम परिवार में से सारे मरोगे, नहीं तो एक की बलि दो, एक मरो। अब देवता तो कुछ भी कर सकते, घोषणा हो गई एक मरो नहीं तो सब मरोगे, हम नाव को डुबोते हैं। अब कौन मरे, पांचों पांडव और कुंती है, माता कुंती है। तो सब माता की तरफ देखने लगे, तो कुंती कहती है तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो,
इसका अर्थ है कि मैं ही बूढ़ी हूं, मैं बूढ़ी हूं, मैं कौन जाऊं। तो धर्मराज कहते हैं नहीं, बेटे के रहते ही मां को मरना पड़े ये संभव नहीं है, मैं नहीं कूदने दूंगी। धर्मराज ने कहा मैं कूदता हूं, तो माता ने कहा तू ही तो धर्मराज है, इन सबका नेता है, तुझे नहीं। अर्जुन की बात आई सब कांप गए, नकुल सहदेव की बात आई सब कांप गए। माता कहती नकुल सहदेव को नहीं मारने दूंगी, क्योंकि मैंने इसकी माँ को, पांडव की दो माताएं थी माद्री और द्रौपदी कुंती, माद्री और कुंती दो थी, माद्री के थे नकुल और सहदेव, कुंती के थे युधिष्ठिर भीम और अर्जुन। अंत में भीम कहता अच्छा तुम सबकी प्लानिंग क्या है, और जैसे भीम का नाम आया कोई नहीं बोला, सबके पक्ष में बोला। अर्जुन का आया तो सबने नहीं नहीं अर्जुन को नहीं, नकुल सहदेव को नहीं, और जैसे अंत में भीम बचा तो भीम ने कहा अंत में मैं ही बच रहा हूं, आप सबका इरादा क्या है। तो सब लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली। इसका अर्थ है मौनम स्वीकृति लक्षण। भीम कहता है कि तो आप लोग मौन क्यों, एक भी मेरा पक्ष नहीं ले रहा है, एक भी मेरा पक्ष नहीं ले रहा है। इसका अर्थ है कि आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर चुके हैं, और जब बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ है तो मुझे कूदना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि वो इसलिए कह रहे थे कि भीम मरना तो एक को है ही, 1% उम्मीद है कि तू भी बच जाएगा और पूरा परिवार बच जाएगा। तू बच सकता है, तेरे में ताकत है, इतनी शक्ति है तेरे में कि व्यंतरणी भी परास्त पड़ जाएगी। हम तुझे इसलिए नहीं भेजना चाहते कि तू मर जा। धर्मराज ने संबोधन दिया कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तू मर जा, मैं इसलिए तेरे नाम पर मौन हूं कि 1% आशा है कि तू भी बच जाएगा और सामने वाले दुश्मन को मिटा देगा। हम लोग तो जाएंगे तो निश्चित मरना निश्चित है, हम लोग में किसी में ताकत नहीं है जो उस मगरमच्छ से बनकर के व्यंतरणी ने पकड़ लिया। 1% तेरे पर विश्वास है, इसका अर्थ है कि 99% तो मेरा मरना पक्का है। बोले तो वो तो पक्का है, लेकिन भीम हम लोगों का 100% मरना पक्का है, तेरा 99%, तो किसको मारने के लिए उतर जाना चाहिए। एक व्यक्ति 99% उम्मीद है कि ये मरेगा यदि इस कार्य में आगे जाएगा तो, और एक व्यक्ति का 100% है कि जाएगा तो मरेगा ही मरेगा, तो किसको आगे भेजना चाहिए। अपन प्रस्ताव पास करते हैं, एक व्यक्ति का नियम आया कि यदि ये जाएगा तो 99% तो ये मरेगा, 1% उम्मीद है ये बचेगा, लेकिन ये लोग जाएंगे तो 100% ही मरना निश्चित है, तो अब किसको भेजना चाहिए। 1% की संभावना पर भी परिवार को बचाना चाहिए, परिवार को बचाना चाहिए। माँ अपनी किडनी निकाल के दे देती है बेटे को, परसेंटेज है दोनों जी जाएंगे। 1% पर भीम के लिए पूरे परिवार ने भेज दिया, 99% तो मरना ही है। कैसा है जैन दर्शन, परिवार को बचाने के लिए एक को मरना पड़े तो मर जाओ, आहूत करना पड़े कर दो, परिवार को बचाना है। भीम कुंदा, व्यंतर और भीम में युद्ध हुआ, व्यंतर पराजित हो गया
और भीम नदी को हाथों से तैर करके वापस आ गए। फिर भी समा, लेकिन यहां यह है कि संकल्प ही हिंसा, यहां तक कि आपको छूट है कोई बाधा नहीं, लेकिन मैं संकल्प पूर्वक किसी को मैं विनाश नहीं करूंगा। जिसमें मेरे मरने की संभावना नहीं है उसे मैं नहीं मारूंगा, मारने का भाव भी नहीं करूंगा। जो मुझे नहीं मार रहा है उसे मारने का भाव नहीं करूंगा। जो मेरे व्यापार में बाधक नहीं है मैं उसे नहीं मारूंगा। संकल्प हिंसा इसे बोलते हैं। बहुत कठिन नियम है। जब कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मार नहीं रहा है लेकिन तुम्हें गाली दे रहा है, मार नहीं रहा है तुम्हारा बुरा विचार रहा है, मार नहीं रहा है वो डांका डाल रहा है, मार नहीं रहा है वो तुम्हारे लिए धंधे में परेशान कर रहा है, तो बोलो क्या भाव आता है? निपटाते नहीं हो? दस्ता आ रहा है तो इसको निपटा दो, निपटा दो इसको, बस आप निपटा दो। आपने अगर इसलिए महाराज हम नियम नहीं ले रहे, मतलब कोई तुम्हें निपटाने वाला होगा। अगली जिंदगी में तुम थर थर कांपोगे, कभी भी कोई मुझे मार सकता है, कोई भी मुझे विनाश कर सकता है। और यदि तुमने ये नियम ले लिया कि मैं कभी भी किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, तो जाओ एक पॉइंट तुम्हारी जिंदगी किस्मत में लिखा गया, कोई भी तुम्हें संकल्प पूर्वक मारने का षड्यंत्र नहीं रचेगा तुम्हारी पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कोई तुम्हें मारने का षड्यंत्र नहीं रचेगा, क्योंकि तुमने संकल्प हिंसा का त्याग किया। संकल्प यहां तक कि तुमने इतना कर लो और ये कर लो, मैं मंदिर में किसी को नहीं मारूंगा। देख लो, जिस समय मंदिर जाऊंगा मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं किसी को मारने का भाव, कुछ तो सीमा करो नियत जीवन भर का। फिर मर जाना, मंदिर में कोई मारने वाला आएगा तो मर जाना, लेकिन मारना नहीं। फिर कोई तुम्हें धर्म कार्य के समय नहीं मार सकेगा, क्योंकि तुमने नियम लिया है जब तक मैं धर्म कार्य कर रहा हूं उस समय मेरी जिंदगी में कितना भी प्राण पर्यंत हो जाए लेकिन नहीं मारूंगा मैं। और अब तुम कितने प्रयास करना, धर्म कार्य करते समय आपको कोई भी शेर भी आ जाएगा ना और आप माला फिर रहे हैं वो झपटेगा नहीं, क्योंकि धर्म पूर्वक तुमने नियत कर लिया कि धर्म कार्य जब मैं कर रहा हूं मारूंगा नहीं। रावण का नियम था, मैं जिस समय धर्म कार्य में करूंगा, जिस समय पर्व का दिन होगा उस समय मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चाहे मुझे मार डाले कोई। खूंखार राजा था, एक नियम था, पूज्यवर रविशरण महाराज पद्म पुराण, गजब की थी। सामने सेना खड़ी है, युद्ध चरम सीमा पर है, और रावण ने जैसे कहा अष्टान का पर्व लग चुका है, युद्ध नहीं होगा। मंत्रियों ने कहा राजन क्या कर रहे हैं आप, इस समय आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी लंका तक। बोले कुछ भी हो जाए मेरा नियम है अष्टान का पर्व में मैं हिंसा शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सबने समझाया, आपातकाल में कोई नियम नहीं होता है, आपातकाल में कोई मर्यादा नहीं होती है, विपत्ति काले मर्यादा नास्ती, आपातकाल में काय का नियम काय का धर्म, आपातकाल है। रावण कहता है नहीं, मैं शस्त्र नहीं पाऊंगा। अब ये संकल्प का परिणाम देखो, इधर प्रतिपक्ष की सेना उसी अवस्था में उसको मारने के लिए जाती है, परेशान करती, उसकी माला छीनती है। देवता आ गए,
रावण के पक्ष में, देवता आ गए रावण के पक्ष। देखो एक नियत, नियत देखो कितनी बड़ी, नियत करके उसने अहिंसा का, हिंसा का त्याग किया, नियत समय अहिंसा का नियम लिया, और जैसे ही अंगद वगैरह जाके रावण को परेशान करते हैं, देवता आ गए। देवताओं ने कहा इस समय तुम रावण को नहीं छू सकते। बोले क्यों? क्योंकि उसका एक नियम है कि मैं पर्व के दिनों में, धर्म कार्य में, धर्म के दिन हिंसा नहीं करूंगा। इसका परिणाम यह है कि उसकी इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ी तपस्या है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देवताओं ने घेर लिया रावण को, बोले जाइए आप यहां। एक पर्व की हिंसा, आपकी कौन सा नियम है अहिंसा के संबंध में? कोई भी एक नियम हो, कहां हिंसा नहीं करोगे? जितना नहीं करोगे उस समय का तुम्हें आइडेंटिटी कार्ड मिल रहा है। तो मंदिर में नहीं करोगे, जाओ तुम्हारी मंदिर में कोई अकाल मौत नहीं मारेगा तुम्हें। माला फेरते नहीं करोगे, जब मैं माला फेर रहा हूं मैं किसी को मारने का भाव नहीं करूंगा। अब कोई तुम्हें उसी समय मारने आएगा, मारने आएगा, शेर भी आ सकता है, सांप भी आ सकता है, दुश्मन भी आ सकता है, माला फेरते समय तुम्हें उसको मारने का भाव नहीं करना। यदि कर दिया तो तुम्हारा वो, मैं मर जाऊंगा, अब नहीं, अब यहां मरने मरने तो मरो, तो 100 बार मरो, 100 बार मरो, 100 बार मरो तो मरो, अब मैं, अब कुछ नहीं होगा। नियम यानी नियम, चमत्कार देखना। धनंजय कवि ने कहा मैं परिवार से, धन दौलत से मंदिर में कोई मतलब नहीं रखूंगा, कोई मतलब नहीं मुझे धर्म कार्य के लिए, कोई मतलब नहीं, ना घर से मतलब, ना परिवार से मतलब, ज्यादा मोह त्याग नहीं करा रहा हूं, ज्यादा मोह नहीं। मां जिस समय मंदिर में रहो उतने समय के लिए नियम ले लो, मेरा मेरे परिवार से, मेरा मेरा धन दौलत से, मेरा मेरा मकान जायदाद से मेरा त्याग है, जितनी देर मंदिर में रहूंगा उतनी देर। अनुव्रत नहीं दे रहा हूं, अभी तुम्हारी जिंदगी की सुरक्षा कर रहा हूं, बस इतना तो करना ही पक्का है। मंदिर में जब तक हूं, मंदिर के अंदर जब तक हूं, सब मेरा त्याग, सब कुछ त्याग, भगवान और मेरा रावा कोई नहीं। मंदिर के बाहर सब सब तुम्हारा, तुम्हारे बाप का, तुम्हारे बेटे का, मंदिर के बाहर सब तुम्हारा, कुछ भी नहीं त्याग करा रहा हूं। जितनी देर मंदिर में रहो उतनी देर, उतनी देर तो तुम्हारा वैसे कुछ नहीं रहता, जितनी देर माला फेर रहे हो उतनी देर, और कम करो। जितनी देर तुम पूजा कर रहे हो बस अब तो ठीक है, अब पूजा की स्थापना कर ली है, अब जब तक इसका विसर्जन नहीं होगा उतनी देर के लिए महाराज छोड़े थे, चलो मैं तो सब में राजी हूं, मुझे तो मैं तो आगरा वाले जो कह रहे हैं मैं उसी में हाँ कह रहा हूं, मैं तो सब में राजी हूं। तुम हाँ तो कहो, कहीं तो राजी हो। पूजा की स्थापना करने के बाद अब जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं होगी, मैं और भगवान के अलावा कोई मेरा नहीं, मेरा किसी से संबंध नहीं, मैं सब त्याग करता हूं। कितनी देर पूजा है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उतनी देर का चमत्कार देखना महानुभाव। धनंजय कवि का ये नियम था। पंचम काल की देन, उतनी देर के लिए मात्र मैं सब छोड़ता हूं, कोई मेरा नहीं,
मैं किसी का नहीं, मुनि महाराज नहीं बना रहा हूं, घरबार नहीं छुड़ा रहा हूं। मात पूजा के समय जैन दर्शन के नियम देखो कितने छोटे नियम है, लेकिन बस अब कुछ भी हो जाए पूजा करते समय तो कोई मेरा नहीं, परीक्षा होगी। ठीक तुमने पूजा की स्थापना की धनंजय कवि ने, उसी समय बेटे को सांप ने काट लिया। घर में कोई नहीं था, तीन प्राणी थे, पत्नी थी वो था धनंजय कवि और बेटा था। तीनों प्राणी में पति पूजा कर रहा है, पास ही में मंदिर था, पहुंच गई, अरे सांप ने काट लिया। उसने सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। मैं बोल रही हूं मैं, वो तो महावीर्ति बन गया जैसे त्यागी है। मुझे राज के सामने यदि घर वाले आए तो कहे महाराज जी मैं आपका घर वाला हूं, थोड़ा सा आंख उठा के तो देख लो, वो तो त्याग कर चुका है। सुना ही नहीं, ये तो पत्नी, मैं बोल रही हूं पत्नी, तुम्हारी पत्नी। बुद्ध का काय की पत्नी, मेरा तो त्याग है। सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। लो बेटा लाके रख दिया, कर लो पूजा इसकी, रोना बाद में बैठ करके। मर गया बेटा, मर गया बेटा, नीला पड़ गया। धनंजय काय का बेटा, मेरा तो बेटा ही नहीं है, मैं तो सब त्याग कर चुका हूं। मुनि महाराज घर छोड़ने के बाद घर में मरने की खबर सुनकर के मुनि महाराज रो पड़े तो कैसा लगेगा आपको? बोलो, घर की कोई मरने की खबर सुनी और मुनि महाराज रोने बैठ गए, काय की मुनि महाराज, फिर त्याग कहाँ हुआ है? धनंजय कभी कहता है कोई मतलब नहीं, कहाँ है बेटा मेरा, ना मैं बाप हूं ना बेटा हूं, इस समय मात मैं भक्त हूं और भगवान जिनेन्द्र है, ये दो संबंधों के अलावा कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं। काय का पत्नी, काय का बाप, काय का बेटा, क्या मेरा मतलब ही नहीं, मैं तो दो भक्त के अलावा सब त्याग है। क्या निर्दयी, क्या कठोरता, इनको बोलते हैं कीचड़ में भी सोना, जल से भिन्न कमल। क्या एकमात्र राग नहीं आया, बेटा अकेला रहा, बेटा है अकेला, बेटा है, मर जाएगा, मर जाएगा, ये कहीं ले नहीं जा पाएगी, और मैं छोड़ करके बेटे को बचा लू सकता हूं? कुछ नहीं आया ही नहीं भाव, पूजन करता रहा, पूजन चलती रही, सारा नगर इकट्ठा हो गया, सब कह रहे धनंजय कभी ये ज्यादा भक्ति ठीक नहीं, और इस भक्ति में दम होती तो बेटे को सांप क्यों काटता? वो सुन ही नहीं रहा, वो किसी की तरफ देख ही नहीं रहा, वो किसी को पहचान ही नहीं रहा। सबने सोचा इसको क्या हो गया, ये तो किसी की तरफ नहीं देख रहा है, लगता है कोई ऊपरी बाधा हो गई। अंत में धनंजय कवि की पूजा पूरी हुई और जैसे शांति पाठ पढ़ रहे हैं, शांतिनाथ हुन ससि मुख हारी, शील गुणामृत संयम लखन एक सो आठ विराजे, निरखत नयन कमल धन साधे, पंचम चक्रवर्ती पद धारी, सोलह तीर्थंकर। पढ़ते 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 जैसे उस पे आए, वो राष्ट्र की है ना, सुखी रहे राष्ट्र, और वो वहां हो गए सारी प्रजा को सुख बड़े तर। जैसे वो एक धारा करते हो बीच में आओ, जैसे वो धारा की तैसे बच्चे ने हाथ पर हिला दिए, शांति ना, शांति पाठ महानुभाव बहुत चमत्कारी है। और वो ही तुम ऐसे पढ़ते हो शांति गजब का पढ़ते, और बहुत बड़ा चमत्कार है।
वो संस्कृत की शांति भक्ति है। इसी शांति भक्ति से बताते हैं पूज्यपाद स्वामी की आंखें चली गई थी, तो इसी शांतिनाथ भक्ति शांति भक्ति से उनकी आंखों की ज्योति लौट के आई थी। हमारे यहां उसको शांति भक्ति बोलते हैं, शांति अष्टक। उसी शांति हम लोग शांति संस्कृत में पढ़ते हैं, उसी का हिंदी अनुवाद आप लोग, उसमें इतनी ताकत है उस शांति भक्ति पाठ में, और वो ही तुम ऐसा मिटाते हो, ऐसा पढ़ते हो कि जैसे कि अब बिल्कुल महानुभाव, बहुत ताकत है। वो शांति पाठ जैसी पढ़ा तैसी बच्चे में हरकत आ गई, कुछ नहीं। और अंत में जाके जो पढ़ा, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तो प्रसाद से परम गुरु तो सब पूरा। उस समय कुछ और चलता होगा, ये हिंदी पाठ है अभी बाद का, पर शांति विधान तो था ही, शांति तो विसर्जन था। और जैसे विसर्जन हुआ, बच्चे के मुंह से रोने की आवाज आ गई, और कायस्वर किया। कायस्वर करने के बाद जो धनंजय कवि बेटे को छाती से लगा के रोए, सारी दुनिया रह गई। छाती से लगाकर जो रोना हुआ धनंजय कवि का, मेरा बेटा मर जाता, मैं निपुता हो जाता, क्या? सब लोग कह रहे थे 5 मिनट पहले क्या हो रहा था, बोले उस समय मैं बाप नहीं था, अब बाप हूं। ऐसे भी दल बदलते हैं। 5 मिनट पहले मुझको खबर नहीं कि मैं बाप हूं, भक्त हूं, और 5 मिनट बाद रो रहा है कि मैं बाप हूं। पत्नी कहती है, तो इतना राग था तो बीच में क्यों नहीं, बोले मैं था ही नहीं इसका बाप, नहीं मेरा बेटा था। नियम में इतनी ताकत होती है, नियम इतने परिणाम बदल देता है, नियम इतना नियम बना लेता है, सम्यक दृष्टि का नियम, कि बेटे को भूल जाए, बाप को भूल जाए, परिवार को भूल जाए, सब भूल जाए, सम्यक दृष्टि के नियम ऐसे ही होते, सब कुछ भूल गया, मुझे पता ही नहीं, मैं तो भक्त था भगवान का। शास्त्रों में एक कहानी और आती है, एक राजा ने अपने बेटे को, अकेला राजा राजकुमार था, गलती होने पर, और बेटा इसलिए गलती करता था कि मेरे बाप राजा हैं और मैं बाप का इकलौता, पिताजी बहुत प्यार करते थे उसे, इसलिए बेटा बिगड़ गया। उसने क्या करेंगे, कोई मेरे पिताजी को न्याय करना है, वो कभी मुझे जेल भेज नहीं सकते, मुझे फांसी दे नहीं सकते, इसलिए उसने ऐसी गलती कर दी। और वो निश्चिंत है, परिवार के लोग निश्चिंत हैं, सारा गांव कहता है राजा अपने बेटे को क्या मारेगा, बहुत प्यार करता है। दूसरा होता तो राजा फांसी पर चढ़ा देता, लेकिन आज बेटा फंसा है ना, पूरे नगर को मालूम है कि बेटे के साथ आज कोई न्यायप्रद दंड नहीं मिलेगा। पत्नी भी मार भी निश्चिंत है, बेटा भी निश्चिंत है, हाँ ले चलो पिताजी, हमारे पिताजी तो राजगद्दी पे बैठे। ओहो, जब राजा ने फरमान जारी किया कि सारा अपराध सजा के योग्य है, और लिख दिया फांसी पे चढ़ा दो, और राजगद्दी से उतर कर आए, अपने सारे घर के सदस्यों से कहे, रो पड़े, उचित हो गए, मैं निपुता हो गया, जिसके लिए राजगद्दी थी काय के लिए, क्या करूंगा। तो रानी बोली है, अब इतने रो रहे हो आप ही ने तो राजगद्दी, आप ही ने तो उसको फांसी बोली है। बोले नहीं, मैंने नहीं बोली फांसी, राजा ने बोली है, और रो रहा है बाप, क्या रो। इन सब कहानियों को पढ़ के लगता है कि ऐसा भी होता है क्या। सहजता से कह दिया, नहीं, रानी से कहा, माँ कहती तुम कितने निर्दयी हो, अपने बेटे को फांसी पे चढ़ा दिया।
बड़ा कानून आए, बड़ा धर्म आए, बेटे को बचा लेते। राजा कहता नहीं, मैंने फांसी नहीं दी, बेटे के पिता ने फांसी नहीं दी, तुम्हें मालूम है कि बेटा मुझे कितना प्यारा था, राजा ने फांसी दी है, राजा ने फांसी दी है। तो रो कौन रहा है? बोले राजा नहीं रो रहा है, बाप रो रहा है। बस इन सबको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि पंचम चौथे काल में हिंसक थे, रागी थे, पापी थे, मोही थे, लेकिन नियत रूप से उनके कुछ नियम थे, उस समय वो अडिग हो जाते थे, उस समय वो सब भूल जाते थे, राजगद्दी पर भूल गए कि मेरा बेटा है। बस यही उनका जो निर्णय जो भूलना है कि मैं बाप नहीं हूं, इस समय राजा हूं, ये बेटा नहीं है, अपराधी है, बस लिख दी सजा। और बाद में जाके रो रहे, रोते रहे, जिंदगी भर रोते रहे, मैंने सजा दी। धनंजय कभी ने कहा नहीं, मैं बेटे के बिना जिंदा ही नहीं रहता, पक्का है, यदि बेटा मर जाता तो मैं भी मरता। धनंजय कभी को वाच है, यदि बेटा मर जाता तो मैं भी मरता, पक्का है। तो सब लोग कहते पर उस समय क्या हो गया था? बोले उस समय मैं बाप था ही नहीं ना, मैं तो उस समय जिनेन्द्र भक्त था। बोलो महानुभाव, कभी कल्पना करो, सोचो, ये साथ तुम्हारा कभी रूप हो सकता है कि तुम भक्ति करते समय मात भक्त बन जाओ, उतनी देर के लिए सब छोड़ दो, सब छोड़ दो उतनी देर के लिए, उतनी देर के लिए एक पूजा के लिए कहा है। पर वो नियत होना चाहिए, नियत आने निश्चित, नियम का अर्थ नियत है, नियम लो कि हम नहीं, महाराज ठीक है हम नहीं करेंगे, वैसे हम लोगों को ज्यादा याद आती भी नहीं पूजा के समय, पूजा नहीं, नियम लो, नियम लो, देखो कैसे मौके नहीं आते। नियम कोई भी नियम ले लो आप, नियत करो, झूठ बोलने का नियत कर दो। अभी हिंसा की बात कही, नियत करो हिंसा, नियत करो हिंसा। एक कोई काल की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा, किसी की भी अपेक्षा कर लो, चलो एक नियम ले लो, जो मेरे परिवार जन हैं इनको कभी मैं मारने का भाव नहीं करूंगा। परिवारजन, कुटुंबी को नहीं मारूंगा, नियम करना है। अब चाहे तुम मर जाना लेकिन मारना मत। महाराज जी कुटुंबी हमें मारने आ जाए तो मर सकते हो, मर जाना, कुटुंबी को नहीं मारूंगा, मैं अपने रिश्तेदार को नहीं मारूंगा, जिसको मैंने मेरा कहा है, जो मेरा है, वो कितने विरोध में चले जाए मैं उसका मर्डर नहीं करूंगा, मारने का भाव नहीं करूंगा। कितने परिवार परिवारों में हत्याएं हो रही है, आज प्रेम है कल मियां बीवी झगड़ा हो जाए ना, ऐसे लोग देखे, पत्नी पति को मार देती हो, पति केस सुनते हैं कि नहीं, माँ बेटे को मार देती है और बेटा माँ को मार देता है, ये केस होते हैं। भाई भाई को मार देता है, सगे भाई 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 को मार देते हैं। और मैं यही नियम दिला रहा हूं, एक नियम ले लो, मैं अपने कुटुंब को नहीं मारूंगा कभी भी, किसी भी परिस्थिति आ जाए मैं त्याग करता हूं, अपने कुटुंब का मर्डर नहीं करूंगा। ओह कितने केस बच जाएंगे, आए दिन सुन रहे घटना, भाई ने भाई को मार दिया ईर्ष्या कारण। एक जयपुर में मर्डर केस हुआ था जैनियों में, मात इसलिए सबको बराबर हिस्सा मिला था,
वो सोड़ा उखाऊ था, दूसरा कमाऊ था, कमाऊ था। इस ईर्ष्या को देख देख करके उसने भाई का मर्डर कर दिया, सुपारी देकर मरवाया। भाई क्या बिगाड़ा था उसने? बोले इसका धंधा ज्यादा क्यों चलता, मेरा कम क्यों? ये आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे हूं। बात इतना ही आया, कोई ज्यादा भाव नहीं है, कुछ भी लेन देन, बंटवारा सब हो चुका था, बरसों से हो चुका था। बस वो बढ़ रहा था, उसका धंधा ज्यादा चल रहा था, उसका धंधा कम चल रहा था। वो पैसे से तंगी में था, वो पैसा वाला था। बस उसने जो कबूल किया बाद में, कोई कारण नहीं था, जाके मर्डर कर दिया। और मर्डर कहाँ किया? जब वो मंदिर करके लौट रहा था गाड़ी में, मंदिर के समय जब मर्डर किया उसका, और सुपारी देके कहलवाया। जैनियों का मामला था। मैं उस समय राजस्थान में राजसमंद के पास था, वहाँ के एक एसपी थे बिहारी, वो मेरे संपर्क में आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे जयपुर ट्रांसफर हो गया मेरा। मैंने क्यों? बोले वहाँ एक जैनियों में एक केस हुआ है, मर्डर केस, और वो अपराधी अभी तक कोई पकड़ नहीं पा रहा है, तो मुझे चुनौती मिली है कि तुम जाओ इस केस को, अच्छे आदमी के घर का केस था, और बहन ने भी कह दिया, मैंने कि एसपी साहब वो परिवार मेरा भी भक्त है, मैंने पीछे से आशीर्वाद दिया अपराधी बचना नहीं चाहिए, अपराधी बचना नहीं चाहिए। मैंने भी तहे दिल से आशीर्वाद दिया, हमारे परिवार के भक्त के परिवार का मर्डर हुआ था, मैंने भी दे दिया। बोले महाराज आशीर्वाद दो, सफल हो गए। लेकिन वो भी 2-3 महीने तक खोज नहीं पाया, लेकिन आशीर्वाद पक्का था उसकी। उसने भी कहा कि जब मेरे गुरु का भक्त का मर्डर है तो मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा लेकिन इस केस को। और उसने कह दिया यदि ये केस सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं नौकरी से रिजाइन दे दूंगा। गया, पता किया, पता करने के बाद पता चला उसका भाई ही मर्डर करने वाला मिला। घबरा गया। अब पिताजी कहते हैं बस पत्नी का भाई है बस। अब पिताजी कहते हैं ससुर साहब, बोले बेटी तेरा पति तो मर ही गया, मेरा बेटा भी मर गया, अब एक बच्चा है उसका, उसको बचा ले। यदि तू गवाही नहीं देगी तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये जेल में जाके सड़ेगा, हमारे तो दोनों ही चले जाएंगे। पैर पकड़ लिए बहू के, यानी जो मर गया ना उसकी पत्नी के, कि बचाओ आप, तू बचा ले बस, एक बेटा बच जाए, तेरी गवाही पर बहादुर थे, तेरा पति तो लौटेगा नहीं इसको जेल भेजने से, इससे एक बेटा बच जाएगा। अब स्त्रियां तो स्त्रियां होती हैं। वो घबरा गई, पिता ससुर ने जो पैर पड़े घबरा गई, ससुर जो रोए, बेटी बचा ले बेटे को, वो तो गया देख तेरा तो पति था मेरा बेटा था, लेकिन मैं अपने बेटे को भूल सकता हूं, मैं अपने बेटे को कम से कम एक बेटा बचा ले। वो बहुत एसपी साहब के पास जाके रो पड़ी। एसपी ने पूछा बोलो, बोले क्यों तुम क्यों नहीं बोल पा रहे? बोले साहब ऐसे ऐसा मामला है, ससुर साहब कह रहे एक को बचा लो, और मेरी गवाही यदि मैंने नहीं दी तो बच जाएगा, और दे दी तो वो जेल जाएगा। अब देख लो दो में से एक को बचाना है, लेकिन अपराधी कैसा है? और उसने जाकर के क्या किया? एसपी साहब ने कहा, बोले तुम्हारे कोई गुरु हैं क्या?
बोले हाँ हमारे गुरु हैं, मेरा नाम ले लिया। तो एसपी साहब बोले वो ही मेरे हैं, तो वहीं चले जाओ, निर्णय वहीं मिलेगा। मैं भी समय पे जाऊंगा, अभी जाना उचित नहीं तुम्हारे साथ। उसने समाचार भेज दिए मेरे पास एसपी ने, ऐसी ऐसी बात है महाराज जी, निपटारा आपको ही करना है। अरे मैंने कहा एसपी साहब तुम मेरे लिए क्यों आफत में डाल रहे हो, मेरे लिए क्यों आफत में डाल रहे हो? बोले साहब गुरु बने हो तो आफत में तो पड़ोगे। ससुर भी आ, सारा परिवार भक्तों में था ही, पिताजी भी भक्त थे, वो भाई भी जिसने मारा वो भी था, जो मरा वो भी था, सारा परिवार था। अब क्या कर रहे हैं? उस समय में चांदखेड़ी में था मैं, आदिनाथ भगवान के पास, मन में भगवान मैं फंस रहा हूं, अब तुम्हें फंसाऊंगा, मैं फंस रहा हूं तो अब तुम्हें भी फंसाऊंगा, निर्णय दो। आदिनाथ ने कहा या तो मौन हो जाओ, और यदि भक्त है अपराध का साथ मत देना। माँ और बेटे में जो डिलीवरी में मर रहे थे वो प्रसंग अलग था, और ये प्रसंग अलग है। यदि ऐसा हो जाएगा तो हर भाई भाई की हत्या करेगा और कहेगा पिताजी बचा लेंगे, वो महाराज जी भी बचा लेंगे, ये कानून बन जाएगा। मैंने एक ही बात कही उसकी पत्नी से, मर गया था, मैंने कहा न्याय का पक्ष लो, न्याय का पक्ष लो, सत्य का पक्ष लो, जो सत्य है वही बोलना, यदि झूठ है तो मत बोलना, सत्य है तो बोलना, सत्य का पक्ष लो, बस हो गया। फिर कहने का भाव है कि मैं कितना छोटा सा नियम दे रहा हूं, कोई बड़ा नियम हो तो खड़े होके बोल देना। हम अपने कुटुंब की हत्या नहीं करेंगे, इतनी की हिंसा का त्याग कर दो, इतनी सी हिंसा का त्याग कर दो। जो मेरा कोई है उसको कभी भी मैं मारने का भाव नहीं करूंगा, भाव भी नहीं करूंगा। कोई बड़ा नियम तो नहीं दे दिया, लेकिन ध्यान रखना महानुभाव, संसारी इतना स्वार्थी है, जब उसका स्वार्थ सीधा नहीं हो तो बाप भी बेटे को मार देता है और बेटा बाप को मार देता है। कैसे थे महावीर स्वामी, इतने से नियम में मान रहे हैं, महावीर कहते कोई बात नहीं दे दे, एक मछली बचेगी बचेगी। यदि तूने अपने भक्तों को यही नियम दे दिया तो कम से कम सारे दुनिया में तो रहेगा कि जैनियों के भक्त में कभी परिवार परिवार की हत्या नहीं करता, ये हमारा आदर्श है। दुनिया में भाई भाई को मार डालते हैं, लेकिन जैनी वो हैं कि कितना भी कुछ हो जाए कुटुंब को नहीं मारते। चलो ये नियम ले लो, कुछ तो नियम लो, आज कुछ तो नियम लो, नियत नियम लो कि मैं इतने इसकी हिंसा नहीं करूंगा। एक मछली तक की कहा, वहां तक छूट है। मैं इन कथाओं को पढ़कर के बहुत सोचता हूं, एक मछली पे अहिंसा में प्रसिद्ध, एक मछली पे शेष मछली मारे तो मारे, गजब महानुभाव। एक मछली नियत करना है कि एक मछली नियत में नहीं मारूंगा। उसी दिन मौका पड़ा, उसके अलावा दूसरी मछली नहीं आई। प्रतिदिन सैकड़ों मछली आती थी, एक पहली मछली नहीं मारूंगा। और उस दिन ऐसा हुआ, पहली बार तो जाल में कोई मछली नहीं आई, और पांच बार आई तो वही मछली आई जिसको उसने छोड़, वही मछली आई, वही बार बार आए। और तुम भी नियम ले लो कि मैं इसका मर्डर नहीं करूंगा। मां बाप का ले लो, पति पत्नी ले लो एक दूसरे का, भाई भाई ले लो एक दूसरे का,
कोई ऐसा कर लो बस मैं नहीं करूंगा। बहुत सावधानी से नियम लेना, परीक्षा हो जाएगी, ऐसी परीक्षा हो जाएगी। भरत बाहुबली भी ये नियम लिए बैठे थे, लेकिन घटना ऐसी मिली कि भरत भी सब भूल करके चक्र चला दिया भाई पर। नियम कोई छोटा नहीं होता। 5 बार वो मछली फंसी, अंत में धीवर भूखा गया, मरना पड़ा। देखो नियम देखना कैसा होता, एक मछली के त्याग के कारण से इतना बड़ा धर्मात्मा कैसे बन गया वो, इतना बड़ा धर्मात्मा कैसे बन गया। 5 बार मछली फंसी उसकी, पर उसका मन नहीं बिगड़ा। शाम हो गई, रात होने वाली है, घर में सब इंतजार कर रहे हैं, उसका मन नहीं ललचाया कि अब जो कुछ है सो है, अब मरता क्या नहीं करता, अब एक फंसी है इसी को मारते हैं। नहीं, बड़ी श्रद्धा, मन में भी विकल्प नहीं आया, खाली हाथ घर आया। उसकी पत्नी का नाम था घंटा। वो देखी, बोले आज क्या कुछ लाए नहीं। बोले एक महाराज मिल गए थे, उन्होंने नियम दिया था एक मछली का त्याग, पहली मछली नहीं मारना। तो हमने सोची पहली मछली में क्या होता है, प्रतिदिन तो सैकड़ों मछलियाँ आती, एक नहीं मारूंगा, तो मैंने साज में ले लिया। पत्नी बहुत ज़्यादा आक्रोश में आई, उसका नाम ही घंटा था और बहुत तेज थी, बहुत तेज। उसने कहा महाराज जी की बात मानना कि परिवार पालना है, निकल जाओ यहाँ से, महाराज जी के पास जाओ। और उसने किवाड़ बंद कर दिए, किवाड़ बंद कर दिए। इतनी प्यारी पत्नी, इतना सब कुछ होकर के इंतजार करना, उस दिन पत्नी रूठ गई, किवाड़ बंद कर दिए, जाओ जहाँ जाना है जाओ, खाली हाथ क्यों आए। बेचारे धीवर को अभी भी मन में विकल्प नहीं आया, वो मछली मैंने क्यों नहीं मार दी। बोले नहीं कोई बात नहीं, आज मैं बाहर सो जाऊंगा। और गांव के बाहर एक खंडहर पड़ा था, वहां सो गया। थका तो था ही दिन भर का, हताश भी था, रात में सांप ने आके उसको खा लिया, मर गया, मर गया, सांप ने खा लिया, मर गया। लेकिन वो रोया नहीं, वो नहीं सोचा कहाँ से महाराज जी का नियम ले लिया था, मैं नियम लेके पछता रहा हूँ, एक मछली लाता तो कम से कम घर से बाहर नहीं सोना पड़ता, सांप नहीं काटता। उस नियम का परिणाम है कि उसको सांप ने काट लिया। अब सबके मन बिगड़ गए, सब ने कहा देखो नियम का परिणाम ये है, नियम का परिणाम ये है, लेकिन उसकी होनहार देखो, होनहार देखो उसकी। वो मर करके जिंदगी में नरक जाता है वो पक्का। एक मछली के त्याग पर उसने अपने परिणाम नहीं बिगाड़े, मर गया, जाके बेईमानिक देवों में देव हुआ, बेईमानिक देवों में देव हुआ जाकर के, भवन तक में नहीं, बेईमानिक एक मछली के त्याग के नियम का। तो आपको भी कोई एक नियम जिसका लेना हो लेना, और सोच लेना। अभी दिवाली तक तो मैं हूं, सोच कुछ नियत करना है। अपना अपना अपन 6 तरफ से संकट में है ना, तो अभी कौन सी तरफ का चल रहा है, ऊपर का, ऊपर का यानी किस्मत को लिखना है हमें, हमें किस्मत में लिखना है, और हमें नियत हिंसा का रूप लेना है जिससे हमारी कभी अकाल में मौत ना हो, अकाल में मौत ना हो, कोई भी व्यक्ति आकर मुझे ना मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि हम परिवार के हाथ से ही मरे हैं, कोई परिवार का व्यक्ति मुझे मार दे। नहीं, नहीं मार सकता, क्योंकि तुमने नियम लिया है इस भाव में कि मैं कभी अपने कुटुंब को मारने का भाव नहीं करूंगा। बस उसी समय किस्मत में लिखा गया तू ऐसे कुटुंब में जाके जन्म लेगा, कोई भी तुझे परिवार के लोग कितने भी कुछ कर देगा, कोई मारने का भाव नहीं करेगा। और ये नियम नहीं लिया बेटा तो ध्यान रखना, मैं नहीं कह सकता,
तुम्हारा परिवार के ही व्यक्ति, तुम्हारा बेटे ही तुम्हें निपटा दे। कैसे निपटा देते हैं? इनके पूर्व भाव में कोई नियम नहीं थे। नेपाल के राजा की बात हुई थी ना, सबसे प्यारे बेटे ने नाश्ता करते समय जो बंदूक स्पेशल लाया गई थी विदेश से लाई गई थी, जो बंदूक सुरक्षा के लाया था, बेटे ने वही बंदूक उठाकर पूरे परिवार को भून दिया था। 15-20 साल हो गए होंगे, बेटे ने पूरे परिवार को भून दिया। 1 मिनट लगा, पूरे परिवार को भून दिया। सगा बेटा था, भाई थे, बेटी बहन थी, माँ थी, सब भून दिया। सब कहते रहे, चिल्लाते रहे, उसने पकड़ कर सबको भून दिया। अरे दुनिया के हाथ से मर जाना ठीक है, लेकिन बेटे के हाथ से मर जाना? मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें इतने से नियम से मोक्ष नहीं भेज रहा हूं। यदि इतना सा नियम ले लिया तो कम से कम तुम बेटे के हाथ से तो नहीं मरोगे। परिवार का ही व्यक्ति तुम्हारा मर्डर नहीं करेगा। अरे करेगा, कोई दुश्मन तो करेगा, लेकिन तुम्हारा खुद का व्यक्ति तुम्हारा मर्डर कर दे? इसलिए ये जो नियत नियम दिए जाते हैं, ये छोटे छोटे नियम दिए जाते हैं, इससे परमार्थ नहीं संभलता, संसार सुरक्षित होता है। अभी बहुत सारी बातें हैं, चलने दो चर्चा में। महावीर भगवान की बोले, परम पूज्य निरयापक श्रवण मुनि पुंगव एक स्वार श्री सुधा सागर जी महाराज की, छोटे छोटे नियम जीवन बदल सकते हैं हमको, और कभी इस एंगल से हमने सोचा नहीं है नियत धर्म क्या होता है। ये सीख रहे हैं अपन 2 दिन से लगातार प्रवचनों के अंदर, और हम अनेक नियम ले सकते हैं, वो नहीं ले रहे हैं। धनंजय सेठ की कथा दिल को छू देने वाली है, क्योंकि सुनी तो सबने थी, लेकिन वहां पर रोका महाराज जी ने, और वो था शांति पाठ पढ़ते वक्त ये सब हुआ, चमत्कार हुआ, और हम शांति पाठ को कितना हल्के से लेते हैं। आज हमारे बीच में आगरा की एक प्रमुख शैली, और मैं कहूंगा महाराज जी की अपनी शैली, कमला नगर डी ब्लॉक के लोग आए हैं, और बस एक ही अनुरोध है महाराज जी, हम बस यही देख रहे थे, पूरा आगरा आप पर आ रहा है, लेकिन कमला नगर 30 साल से, और बीच में आप 1 दिन आए थे, तब से लेकर अब तक आपका था, आपका है, आपका रहेगा, और ये शीतकालीन प्रवास, भैया ऐसे बताओ, हाँ वहीं रहो, आगे जगदीश जी को भेज दीजिए, बस वहीं रहो। हाँ, उन्होंने कहा मनोज भाई भी कमला नगर के हैं, यहाँ तो चल जाएगी। प्लीज डिसिप्लिन सबके लिए एक सा है, केवल जगदीश जी मुख्य संयोजक आगे आ जाएं, हमारे ट्रस्टीगण दिलीप जी आगे आ जाएं, और भी जो ट्रस्टीगण आए हैं वो आगे आ जाएं। हाँ जगदीश जी, आप ये टोकरी लेकर आगे आ जाएं बंटी भाई के साथ। हाँ अब उधर से, और इसी के साथ 2 मिनट भैया जी, 2 मिनट। आज गुड़गांव सेक्टर 57 के मंदिर बनाने के लिए महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं दिनेश जी, राजीव जी, रोहित जी, राजेश जी, सारिका और प्राची। किधर हैं जी? हाँ आपको जगह नहीं बची। अच्छा, अब जरा पुरुष लोग साइड में हो जाए, भैया जरा पुरुष लोग साइड में हो जाएं, और आज आप लोगों ने मंच हाईजैक कर ली, ये ठीक नहीं है। चलो अब चढ़ा दीजिए, बस यो ही
उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्ग के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम रीम परम पूज मुनि पुंगव एक स्वर श्री सुदासागर जी महाराज ससंग विराजमान उनके पावन चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त आए अर्घम निर्वोपामती। कमला नगर प्रवास के लिए पूज्य श्री से अनुरोध और आइएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे